हिंदुओं से बदला लेने के लिए कांग्रेस ने 3 महाघटिया कानून बनाए। और हिंदुओं से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1992 में बनाया माइनॉरिटी। नमस्कार, मैं निकिता शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय केसरी। आज हम अपने न्याय केसरी के दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आज का मुख्य विषय है कांग्रेस का पतन। आप सभी जानते हैं कि पिछले 70 सालों से देश के आजाद के पास से देश में कांग्रेस ने राज किया था। कांग्रेस की नीतियां अच्छी थी या बुरी, यह लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। आज भारत में सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकार खत्म होती नजर आ रही है। कांग्रेस की कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जिसके कारण आज उसका पतन हो चुका है और भारत में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। ऐसी कौन सी नीतियां रही हैं जिसके कारण कांग्रेस का पतन हो रहा है, एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय ने कांग्रेस की गलत नीतियों के बारे में विस्तार से। हिंदुओं से बदला लेने के लिए कांग्रेस ने 3 महाघटिया कानून बनाए। और हिंदुओं से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1991 में बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, 1995 में बनाया वक्फ एक्ट। राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से पीक पे आना शुरू हुआ, 1990 में एकदम पीक पे आ गया था, कार सेवा शुरू हो चुकी थी। इसलिए हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं से बदला लेने के लिए कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। और उसका मूल कारण था कि उस समय एक नारा दिया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जिन मठ मंदिरों पे हमारा मुगलों ने कब्जा किया, वहां पे मस्जिद बनवा दिया, उसको हम रिस्टोर न कर पाए, कांग्रेस की सरकार ने 1991 में कानून बना के काशी और मथुरा कभी हम फ्री न करा पाए, इसलिए उन्होंने 1991 में कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो विवाद होता है उसका समाधान कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून कहता है कि अयोध्या का मुकदमा तो कोर्ट से चलेगा, बाकी सारे के सारे मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, नया कोई मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया। आखिर अयोध्या में गोली चली ना, हिंदू मारे गए ना, कांग्रेस की सरकार ने कहा तुम्हें कोर्ट जाने नहीं देंगे और अगर वैसे तुम भीड़ इकट्ठा करोगे तुम्हारे ऊपर गोली चलवाएंगे। तो कोर्ट जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा करोगे लाठी चार्ज करेंगे, गोली मारेंगे और कोर्ट तुम्हें जाने नहीं देंगे। जिन मंदिरों के बारे में हमारे किताबों में लिखा हुआ है उन मंदिरों को हम वापस नहीं ले सकते। हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया, हमारा राइट टू कल्चर छीन लिया, जो उन्होंने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध निर्माण किया, अवैध कब्जा किया, कांग्रेस ने उसको लीगलाइज कर दिया। कांग्रेस ने कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया। और यह कांग्रेस का महापाप है, इस महापाप को खत्म करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहता हूं 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत का सबसे घटिया कानून है। मैं धन्यवाद दूंगा सांसद हरनाथ यादव जी को, उन्होंने प्राइवेट नंबर बी भी पेश किया है, उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाया है और हमें पूरा भरोसा है कि अब आने वाले सत्र में ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो अगले 1000 साल सुरक्षित रहे। कायदे से कांग्रेस की सरकार को कानून बना के जो हमारा ज्ञानवापी है इसको रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। जो जौनपुर में अटाला है, जहां पे अटाला मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो हमारा मथुरा का मंदिर था उसको रिस्टोर करना चाहिए था। एक कानून बनाते जो बंगाल में अदीना मस्जिद बन गई हमारे मंदिर के ऊपर, उसको रिस्टोर कर सकते थे। गुजरात का जो रुद्र महालय मंदिर है जहां जामी मस्जिद बनी है उसको रिस्टोर कर लेते। जो हमारा ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का धार है, जहां भोजशाला, जहां सरस्वती माता का मंदिर है, उनकी मूर्ति थी, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो मध्य प्रदेश में बिजया मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गई है उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो यहां पे दिल्ली में जो जैन मंदिरों के ऊपर कुतुबुल इस्लाम बन गई है मस्जिद, उसको रिस्टोर कर सकते थे। कानून बना के जो गुजरात में भद्रकाली मस्जिद पे अवैध कब्जा हो रखा है, जहां जामा मस्जिद बनी, उसको रिस्टोर कर लेते। लेकिन कांग्रेस ने हमारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने की बजाय
ऐसा कानून बनाया कि हम तुम्हें कोर्ट के जरिए भी रिस्टोर नहीं करने देंगे और भीड़ तो इकट्ठा होने नहीं देंगे। कांग्रेस की चूंकि हर जगह राज्य सरकार थी, कांग्रेस को पता था सरकार तो हमारी रहेगी, तो हम उनको पुलिस से पिटवाते भी रहेंगे, लाठियों से पीटते भी रहेंगे और हम कोर्ट भी जाने भी नहीं देंगे। जब जब यहां पे कार सेवा होती है इन मंदिरों के पास, धारा 144 लग जाती। एक एक्सपर्ट कमेटी बने, उसमें हिस्टोरियन हो, एएसआई के लोग हो, जज भी हो, वैज्ञानिक भी हो, सब हो, वो मिलके जाके उन मठ मंदिरों का सर्वे कर ले, उनको एग्जाम कर ले और जो जहां पे क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं ये तो मंदिर था उसको वापस रिस्टोर कर ले। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करवाना है और नया कानून बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर कराना है, क्योंकि कोर्ट के जरिए अगर रिस्टोर करते रहेंगे तो 50-50 साल लगता रहेगा, 100-100 साल लगता रहेगा। अब की बार 400 पार इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें भारत के सभी मठ मंदिरों को वापस रिस्टोर करने के लिए एक नया कानून चाहिए। पता चला 50 साल लग जाएगा ज्ञानवापी को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा मथुरा को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भद्रकाली को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भोजशाला को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा ताला को लेने में। ये काम नहीं करना, अब तो कानून बना के कानून के जरिए रिस्टोर करना बहुत आसान है। तो इसलिए मैं कहता हूं अब की बार 400 पार जरूरी है। दूसरा जो घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने वो 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। जैन बौद्ध और सिख को माइनॉरिटी घोषित कर दिया, मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाया, क्रिश्चियंस को फायदा पहुंचाया, हिंदुओं को आपस में बांट दिया, जबकि जैन बौद्ध और सिख हिंदू कहलाते हैं, बाकी जितने भी कानून है वहां पर जैन बौद्ध सिख हिंदू कहलाते हैं। यह घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने। इस 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को भी खत्म करवाना है, माइनॉरिटी एफेमिनिस्टी को खत्म कराना है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को खत्म कराना है। याद रखिए 1992 के पहले कभी भी हिंदू और बौद्ध आपस में लड़ते नहीं थे, हिंदू और जैन का आपस में कभी झगड़ा नहीं होता था। ये सारा जो झगड़ा शुरू हुआ है ये 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट के कारण हुआ है, जिसने हिंदुओं को बांटा है और मुस्लिम्स को फायदा पहुंचाया। जो तीसरा घटिया कानून बनाया 1995 में वो वक्फ एक्ट। वैसे जो पहला वक्फ एक्ट बना था वो नेहरू जी ने बनाया था 1954 में, इंदिरा गांधी ने उसको और मजबूत किया, राजीव गांधी ने वक्फ एक्ट को और मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने तो सारी सीमाएं तोड़ दिया। 1995 का जो वक्फ एक्ट है वो तो अनलिमिटेड पावर देता है, किसी भी जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड हाथ रख दे तो कहेगा वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लोगों की जमीन वक्फ बोर्ड नहीं छीन रहा है, बल्कि जो पब्लिक लैंड है, जो सरकारी जमीन होती है, पार्क होता है, खेल का मैदान होता है, गोचर की जमीन होती है, बंजर जमीन होती है, ऊसर जमीन होती है, आदिवासियों के गांव, वहां पर जाके कब्जा करता चले जा रहा। किसी भी सरकारी किसी जंगल में जाके कह दे यहां औरंगजेब का घोड़ा घास खाने आता था, किसी जमीन को किसी पार्क को जाके कह दे यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, वो जंगल उसका, वो पार्क उसका, वो ऊसर जमीन उसकी, वो बंजर जमीन उसकी, वो खेल का मैदान उसका। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन इस समय वक्फ बोर्ड के पास, ये सारी जमीन वापस लेना है। सभी सारी जमीन तभी वापस हो सकती है जब वक्फ एक्ट खत्म हो और एक नया कानून बन के वो सारे जमीन को वापस लिया जाए। 1995 का वक्फ एक्ट, 1992 का माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये तीन कानून खत्म नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए इसके बारे में जन जागरण करिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अगर ये तीन कानून खत्म नहीं हुए तो हम खत्म हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कल कि हम एक ऐसे भारत की नींव रखने जा रहे हैं जो अगले 1000 साल तक सशक्त होगा, समृद्ध होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी बनेगा जब सारे घटिया कानून बदले जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अगर दल गुलामी नहीं छोड़े, अगड़े पिछड़े के आधार पर बटे रहे, क्षेत्र के आधार पर बटे रहे, भाषा के आधार पर बटे रहे, जाति के आधार पर बटे रहे, पार्टियों की गुलामी नहीं छोड़े, तो ये कानून खत्म नहीं हो पाएंगे। ये कानून तब खत्म होंगे जब आप सब लोग मिलकर भारतीय हो जाएंगे और बोलेंगे हम भारतीय हैं, सबसे पहले घटिया कानून बदलो। और घटिया कानूनों का दुष्परिणाम आपको बताता हूं। आपने कश्मीर में आर्टिकल 370 का प्रभाव तो देख लिया ना, पूरे भारत में कांग्रेस ने कम से कम भारत को बर्बाद करने के लिए 50 कानून बनाए, एक आर्टिकल 370 ने कश्मीर को बर्बाद किया था। कांग्रेस ने ऐसे 50 कानून बनाए हैं, 50। उन सभी कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और उन सभी कानूनों को खत्म करने के लिए जरूरी है लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में 2/3 बहुमत हो। याद रखिएगा चुनाव आ रहा है, अपने रिश्तेदारों से बात करिए, अपने नातेदारों से बात करिए और अब की बार 400 पार करिए।